फैशन की नगरी पेरिस, भाई यहाँ पर तो ना परफ्यूम के भी म्यूजियम्स होते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये है पेरिस का परफ्यूम म्यूजियम। पहली बार ही पता लगा कि परफ्यूम के भी म्यूजियम होते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर सैकड़ों तरह की परफ्यूम की वैरायटीज़ हमें दिखाई गई। बताया गया कि किस तरह फूलों से परफ्यूम बनाया जाता है, उसके लिए स्पेशल एक गाइडेड टूर हुआ और गाइड जी ने हमें पूरी डिटेल में बताया 1 घंटे तक कि किस तरह परफ्यूम बनाया जाता है। There are a lot of spices there. You use a lot of spices for food, for cooking. But in modern industry, perfumery industry, we use it for perfume. A lot of different ingredients from all over the world, from different continents. But here, zoom in, France, Grasse is here. Grasse is a tiny city, world capital of perfume. In Europe, traditionally, we make perfume from floral scents, from flowers, not like today. This is our factory in the south of France, in Grasse. And these are 5 typical French flowers. From jasmine, orange flower, mimosa, rose, and violet. And also lavender, okay? Many, many different kind of flowers blossom for the whole year of in France. Depends on the climate, okay? In France, in the north and the south, there are different climates, but they produce many different kinds of flowers. For the whole world, for the whole year. And here is the world map again. So we import different kind of ingredients from all over the world nowadays to make perfumes. नींबू और संतरे से भी परफ्यूम बनाया जाता है और फूलों से भी परफ्यूम बनाया जाता है। पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया गया, यहाँ तक कि हमारी रसोई में जितने मसाले होते हैं सिनेमन तक से भी परफ्यूम बनाया जाता है। फूलों को कंप्रेस किया जाता है, उसको स्टीम किया जाता है और उस स्टीम को इकट्ठा करके उसे परफ्यूम बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में पहली बार लाइफ में सुनने को मिला, देखने को मिला और समझ में भी आया। उसके बाद आया इस परफ्यूम म्यूजियम का बेस्ट पार्ट। हम सबको परफ्यूम को टेस्ट करने को कहा गया और हमने जमकर परफ्यूम अपने कपड़ों पर, अपनी बॉडी पर छिड़का क्या, पूरे नहा ही लिए। उसके बाद हमें सैंपल्स भी दिए गए। जी हाँ, फ्रेंच परफ्यूम के सैंपल्स, क्या बात है। परफ्यूम म्यूजियम में हमें परफ्यूम के सैंपल्स भी मिले, पर ये सब इतना भी इजी नहीं था। इस म्यूजियम की एंट्री टिकट भी थी, वो भी पूरे 15 यूरो की, यानी कि करीब करीब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1500 रुपये की। तो ये सब तो बनता ही था। और जैसे ही हम परफ्यूम म्यूजियम से सेंट लगाकर परफ्यूम में नहाकर बाहर निकले, बाहर इंद्र देवता हमारा इंतजार कर रहे थे। चमाचम बारिश हो रही थी और हमारा सारा का सारा परफ्यूम इंद्र देवता ने धो दिया। परफ्यूम लगाया, वो भी बिना पैसे दिए, इतना सारा, चलो धो दो। और इंद्र देवता ने बारिश कर करके हमें अच्छे से भिगो दिया और हमारा सारा परफ्यूम जो इतनी मेहनत से बहुत खुश होकर हमने लगाया था, सारा का सारा धो दिया। और हम सब ठंड में ठिठुरते हुए जाकर वापस बस में बैठ गए और अपने टूर ऑपरेटर से पूछा, भैया अब कहाँ चलना है, अब हमें सेंट नहीं लगाना, परफ्यूम म्यूजियम नहीं ले जाना, वरना इंद्र देवता हमें फिर से नहला देंगे। इतनी सर्दी में दांत कप कप आ रहे हैं, जून के इस मौसम में भी पेरिस में दांत कप कप आ रहे हैं। ठंड हो जाती है जी जब बारिश होती है। चलिए घर चलते हैं, यानी होटल।